के जो कृष्ण भगवान का जो ये परम मित्र था सुदामा, पोरबंदर से तीन मुट्ठी चावल लेके यहाँ इधर भगवान को मिलने के लिए आए थे। जब सुदामा यहाँ पे दरवाजे के पास यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे जय और विजय दो नाम के द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ब्राह्मण को रोका और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हो? अगर ये द्वारिका के अंदर आप जो भिक्षा मांगने के लिए आए हो तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं यहाँ पे कोई भिक्षा मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो अपने परम मित्र कृष्ण भगवान द्वारकाधीश को मिलने के लिए आया हूँ। एक बार पाल ने सुदामा ब्राह्मण को धक्का दे दिया। सुदामा ब्राह्मण गिरते गिरते कहने लगे कि हे द्वारपाल, अगर आज मैं मरूं तो यही हरि के द्वार पे मरूं, चाहे आप मेरे को आज मार दो लेकिन आज मैं अपने प्रभु को मिलके बिना यहाँ से आज मैं नहीं जाऊंगा। एक द्वारपाल ने दूसरे को कहा, भाई ये गरीब ब्राह्मण है, अगर ये मर जाएगा तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए एक द्वारपाल अंदर गए और भगवान को कहने लगा, क्या ये द्वारिका नाथ भगवान की जय हो, द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। और कहा कि हे प्रभु, दरवाजा के ऊपर कोई अजीब सा ब्राह्मण रहता है, आज तक ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा है। एक तो उसने फटा हुआ धोती पहना है, हाथ में लकड़ी है और दुबला पतला सो कोई ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं पोरबंदर से आया हूँ और मेरा नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने केवल सुदामा नाम सुनते ही भगवान तुरंत भागने लगे। पूरे गांव के सामने सुदामा ब्राह्मण को भाई गले लगाया। बाद में भगवान अपने महल के अंदर लेके गए, अपनी राजगादी यानी कि आसन के ऊपर सुदामा ब्राह्मण को बिठाया। उस समय कृष्ण भगवान भाई इतना रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा ब्राह्मण का चरण भी धो दिया। बाद में कृष्ण भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को स्नान भी करवाया, नया कपड़ा भी दिया और छप्पन भोग भी खिलाया। और बाद में भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे, कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप पोरबंदर से आए हो तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। तो सुदामा भाई शर्म के मारे जो तीन मुट्ठी चावल लेके आए थे वो छिपा रहे थे। भगवान तो समझ गए और हाथ में से चावल छीन लिया। जब कृष्ण भगवान ने जब पहला मुट्ठी जब चावल खाया था तो सुदामा के घर बिना मांगे ही भगवान ने सोने का महल बनवा दिया था। दूसरा मुट्ठी चावल में भगवान ने पूरी दुनिया का राजपाट सुदामा ब्राह्मण को ही दे दिया। और बाद में जब भगवान तीसरा मुट्ठी जब चावल खाने गए तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि हे प्रभु द्वारिका नाथ भगवान, आप मेहरबानी करके यह तीसरा मुट्ठी चावल मत खा लेना, क्यों आपने ये ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया है, आप मेहरबानी करके कम से कम ये केवल एक राज्य रहने दो वरना ये भी सुदामा ब्राह्मण का हो जाएगा। बाद में भगवान ने तीसरा मुट्ठी चावल सभी पटना
चले जाओ, यहाँ कोई गया होगा तो रामेश्वर के अंदर वहाँ पे छोटे बड़े टोटल 22 कुंड बताया है। जब तक आप लोग पहले 22 कुंड के अंदर स्नान आप लोग न करो, बाद में भगवान के ऊपर जल अभिषेक आप लोग जो ये न करो या रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप लोग जो दर्शन न करो तो ये रामेश्वर की यात्रा करना बेकार होता है। बद्रीनारायण के अंदर अलकनंदा घाट नदी के ऊपर समस्त पितरों का नाम लेके जब तक आप लोग भाई ब्रह्म का पाली जो पिंडदान आप लोग ना करो तो ये बद्रीनाथ भी यात्रा करना बेकार होता है। तीसरा नंबर का धाम जगन्नाथपुरी बताया पूरब के अंदर। ये जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान को जब तक आप लोग राइस चावल भात की हांडी जब तक आप लोग न चढ़ाओ तो ये जगन्नाथ भी यात्रा करना बेकार है। चौथा धाम आखिरी धाम तो सबसे बड़ा धाम ये मोक्ष की भेंट द्वारका धाम बताया। यहाँ पे केवल दो कार्य करते हैं, पहला कार्य वहाँ पे भगवान द्वारका जी का दर्शन और दूसरा कार्य मान लो अगर आप सबके जो ये परिवार के अंदर भाई मान लो अगर कोई छोटा कोई बड़ा दादा दादी भाई बहन पति पत्नी अगर सात बेटी के अंदर अगर जो कोई व्यक्ति को गुजर गया है तो ये समस्त पितरों का नाम लेके यहाँ भेंट द्वारका में केवल ये पांच ब्राह्मण को भोजन खिलाने का महिमा बताया। न बन सके तो माता पिता का नाम लेके 5 किलो चावल का दान करने का महिमा बताया। और आप यात्री ये बस के अंदर जो जितने भी लोग बैठे हो आप लोग 25 यानी के 30 लोगों का सवारी हो, अगर आपकी वजह से यानी के भाई मेरी वजह से अगर घर के अंदर घर में माता पिता माँ बाप अगर ये दोनों जो घर के अंदर दोनों ही दुखी है, माँ बाप दोनों जो घर के अंदर दोनों ही परेशान है तो ये चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग भाई ये दर्शन करना भी बेकार है। क्यों? ये मनुष्य का सबसे उनका पहला भगवान माता और पिता बताया। जिस माँ बाप ने आपको और मेरे को ये जन्म दिया छोटे से लेकर बड़ा किया, माँ बाप ने शायद खुद ही खाकर अपना बच्चों को खिलाया। लास्ट में आपको एक ही बात करूंगा कि शायद अगर आप यानी कि मैं अगर अपना जो ये शरीर का भाई चमड़ी निकाल कर मान लो उसका जूता और चप्पल बना के अगर माँ बाप के जो ये पैर में पिनावे तो शायद आप यानी कि मैं कभी ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। और जो भी व्यक्ति ये भेंट द्वारका धाम आवे माँ बाप का नाम लेके यहाँ पे जो अन्न का दान करे चावल का दान न करे तो ये द्वारका दर्शन करना भी बेकार है। चार धाम में सबसे बड़ा धाम ये द्वारका धाम है और आप लोग तो ये भेंट द्वारका दर्शन करने जाओगे यहाँ पे 90% लोग यानी कि